ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की Instagram 3D फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इसमें क्या होगा कि गाइस आप लोगों को ना पहले अपने एक Instagram का जो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है, मतलब कि व्हाइट मोड या डार्क मोड में आप जैसे भी लेके रख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको कैसे ऐड करना है वो बता दूंगा वीडियो में। एंड गाइस, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि गाइस जो मतलब कि आपका हाईलाइट एंड जो आपके फॉलोवर्स के जो PNG आपको लगाने ना गाइस, उसमें गाइस क्या होगा कि वो कट करके लगाने पड़ेंगे। बट गाइस, वो कैसे लगाने वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप गाइस बिना वीडियो को देखे स्किप करके अगर आप चले जाओगे एडिट कर रहे हैं तो गाइस आप नहीं कर पाओगे वैसे, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा सा आपको कट फेस करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो कैसे करना है सब कुछ आपको अगर वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस, अगर अभी तक आपसे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना शुरुआत के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आप सभी को क्या करना है गाइज, आप सभी को जो मॉडल होगा उसका जो साइज आपको कुछ इस टाइप से इतना रखना है, ठीक है, हाइट वगैरह जो भी है आपको इतने हिसाब से रख लेना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइज अभी यहाँ पर डन नहीं करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। गाइज यहाँ से लेना आप सभी को अपना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइज आपको जाना क्रॉप वाले ऑप्शन में। पहले गाइज आप सभी को यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो जितना मैं कर लेता हूँ अभी गाइज, मैं आपको स्लो बता रहा हूँ बिकॉज गाइज आपको मैं पहले यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे। तो यहाँ पे गाइज आपको फिर क्या करना है, आपको पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइज क्या करना, देखिए गाइज यहाँ पे तो अभी हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइज, अभी हम पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉप और करेंगे, ठीक है। तो पहले हम नेम वाला एरिया जो है हमारा ऊपर का सबसे ऊपर का, उसको पहले यहाँ पे क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो हम फोटो को थोड़ा जूम करते हैं एंड आप इसको हम इतना क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना क्रॉप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको डन करना है। एंड गाइस उसके बाद क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे जो है हाइट को जो मतलब साइज जो है इसका कुछ आपको जो साइड में जो 3D लाइन्स दिख रही है वहाँ पे आपको कोने में परमानेंट वाली आपको उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अपने जो इसका नेम का जो साइज है वो उतना रखना है, ठीक है। तो अभी हम इतना करते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अभी हम इरेज़र टूल में जाकर जो बाकी का एरिया है इसको हम इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे एकदम मतलब कि अच्छे से मैच हो गया है, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है एंड अभी भी डन नहीं करना, आपको जाना बैड फोटो में। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि गाइस आपको सेम चीज़ वही करनी है। पहले यहाँ पे आपको जाना है क्रॉप में एंड आपको यहाँ पे हाईलाइट लेना है। हाईलाइट लेने के बाद आपको सेम वैसे ही आपको यहाँ पे क्रॉप करना है एंड ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको मल्टीप्लाई करना है। एंड गाइस आप सभी को मल्टीप्लाई जब करोगे तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप से फिक्स नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस यहाँ पे क्रॉप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम दोबारा से क्रॉप में जाएंगे एंड कैसे ऐड करना वो आप सभी को मैं ढंग से बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें आपको जाना है इसमें क्रॉप वाले ऑप्शन में, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे जो हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि देखिए गाइस छोटा हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो पहले हम इसको क्रॉप में जाके पहले ये वाला एरिया ले लेंगे एंड इसको गाइस कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम इसको रख देंगे। फिर गाइस जाएंगे वापस से उसी PNG को ले लेंगे एंड यहाँ से गाइस जाएंगे दोबारा से क्रॉप वाले ऑप्शन में एंड अब इस तीनों को हम यहाँ पे ले लेंगे एक साथ, ठीक है। तीनों को ले लेंगे तब गाइस क्या होगा कि यहाँ पे डन करके इनका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली हो चुका है ऐड, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ स्टेप से ऐसे करना है एंड गाइस उसके बाद अभी भी डन नहीं करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। अब गाइस आपको वहाँ से कट करना है आपका फॉलोवर्स वाला एरिया, ठीक है। फिर इरेज़र टूल में सॉरी क्रॉप में जाके आपको सिंपली यहाँ पे क्रॉप कर लेना है इसे, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब इतना करने के बाद आपको सेम चीज़ वही करनी है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपको सिंपली इसको यहाँ पे अपने फॉलोवर्स एंड जो यहाँ पे फॉलोइंग के पास रख देना है, पोस्ट एंड फॉलोवर्स और जो पोस्ट है वहाँ पे रख देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से लेनी है आपको एक ब्लैक कलर की शीट, ठीक है। तो ऐड फोटो में जल्द है यहाँ से ले लेते हैं इसको एंड गाइस उसका साइज कुछ इतना रखना है आपको। फिर गाइस क्या करना है, आपको जाना है इरेज़र टूल में, फिर इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है, साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है, हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेना है, फिर आपको फोटो को जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को बनानी शेडो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट शेडो बनाता हूँ। ओके गाइस, तो शेडो हमारी बन चुकी है। अब गाइस इसको हम कर देंगे मूव डाउन, ठीक है, सबसे मूव डाउन कर देंगे, ये हमारे मॉडल के पीछे चले जाएगा। फिर हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे एंड गाइस देखिए हमारी शेडो जो परफेक्ट बन चुकी है। अब गाइस यहाँ पे हम परफेक्टली डन कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जाना आपको दोबारा ऐड फोटो में। सो अब दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से गाइस ऐड करेंगे हम एक बिगिनर का PNG। सो ये वाला PNG जो इसको हम ऐड करेंगे कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम इसका फुल स्क्रीन करेंगे, तो कहीं नीचे से डार्कनेस आएगी तो हमारी फोटो अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे हम इसको डन करते हैं। अब गाइस क्या करना है आप सभी को, अब गाइस जाना है यहाँ से दोबारा यहाँ से ऐड सेव कर लेना फोटो को, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सेव कर लेना क्योंकि पिक्सेल का काम हमारा खत्म हो गया है। तो फिक्स इसको सेव करके इसे लाइट रूम मैप में ओपन करते हैं। अब गाइस लाइट रूम मैप में ओपन करने के बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो इसका हाईलाइट होगा आपको इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना है एंड जो शेडो होगा गाइस इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर उसका जो वाइट है गाइस आपको थोड़ा सा इसको कम कर देना है, जो ब्लैक है गाइस थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है। फिर जाना है वो कलर्स वाला ऑप्शन में, इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है।
फिर गाइज आपको जाना कलर मिक्स में ऊपर जो आपको दिख रहा है एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, लुमिनस बढ़ा देना है। फिर गाइज यहाँ पे क्या करना है आपको येलो कलर लेना है एंड उसके बाद थोड़ा ह्यू चेंज करना ताकि फोटो आपके मॉडल के ऊपर जो है थोड़ा ऑरेंज टोन आ जाए। फिर गाइज आपको डार्क ब्लू में जाकर थोड़ा सैचुरेशन कम कर देना क्योंकि मॉडल के ऊपर सैचुरेशन आ रहा है, थोड़ा ब्लू कलर आ रहा था। फिर गाइज क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐसे नीचे वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपकी उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइज फोटो में पिगमेंट होगा वो अपने हिसाब से डाल देना आप सभी को एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर गाइज आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड नीचे मिलेगा आपको नोड रोक्सन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रोक्सन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइज आशा करता है आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलेगा ऐसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।